देव सेना। बट ठीक है चलो, जिसको जो करना है वो करोगे, सबकी मर्जी है। गाड़ी भी खड़ी है चारों तरफ, यहाँ पे ऐसे खुला ही खुला बिल्कुल, साथ में बिल्कुल ये साइड में रेगिस्तान सा, रेत ही रेत है पूरे में, ये देखो पत्थर पड़े बीच बीच में, और यहाँ एटीवी वगैरह चला सकते हैं इधर, मैंने बताया था ना, और भी कुछ चीजें बन रही है यहाँ पे आने, है ना, बहुत ही खतरनाक जगह भाई। आने वाले टाइम में ना यहाँ पे ये सोच लो एडवेंचर का, ये सोच लो एडवेंचर का हब बन जाएगा ये पूरा। तो अभी डीवी ने मुझे शॉट लेने के लिए भेजा था, और ऐसी जगह इस पे मन कर रहा है कि बहुत देर तक बैठे रहें, चलते रहें, मतलब मैंने आज तक ऐसे वाले माउंटेन्स नहीं देखे। हम लोगों ने काफी ट्रैवल किया लास्ट ईयर भी, बट दिस वाज द बेस्ट। यहाँ से पीछे एक रास्ता जा रहा था जो कि बुद्धा स्टैचू जो है वहाँ के लिए, पर वहाँ अभी अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं पहले एक बार रुंदर पहुँचते हैं, वहाँ जाके एक बार देखते हैं होटल होटल का क्या हिसाब है, 10 किलोमीटर है यहाँ से, तो अगर लगेगा तो वापस आ जाएंगे। बाकी हमें एक यहाँ से एडेप्टर लेना है, एडेप्टर मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ कोई ऐसी इलेक्ट्रिक उसकी दुकान होनी चाहिए थोड़ा अंदर, मेन मार्केट मिलेगा, तो हमें एक एडेप्टर लेंगे, ड्रोन चार्ज नहीं हो रहा, ड्रोन चार्ज नहीं होगा तो फिर वहाँ का फायदा नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा। तो भाई मार्केट में से हमने ये तो ढूंढ लिया है एक्सटेंशन कॉर्ड, बेसिकली हमको ये चाहिए था। अब ये मल्टी प्लग वाला है, हमारे जो ड्रोन का चार्जर है वो चाइनीज प्लग है उसका, तो वो लगता नहीं है, नहीं चाइनीज है वो, हाँ तो वो लगता नहीं है इसमें, तो फिर दिक्कत रहती है, दुबई में भी वही चलता है, हाँ तो मोड़ लूँ इसे। तो भाई हमने टिस्किट में वैसे होटल भी देख ही लिया था, सही रेट में मिल रहा है, नया होटल भी बना है, और देखो यहाँ से बुद्धा का जो स्टैचू है वो यहाँ से दिखाई देता है, देखो यहाँ हम जो जाएंगे ना सुबह, अभी चलते हैं ऊपर हुंडर की तरफ, वहाँ पे हुंडर में जाके कैमल राइड वगैरह है अगर वो करनी है वो कर लेंगे, नहीं तो पहले देख के तो आते हैं और क्या होता है वहाँ पे, कैसा लगता है व्यू क्या आता है, अगर वहाँ होटल सही मिलेंगे तो वहीं रुक लेंगे, और अगर वहाँ नहीं, ये अच्छी जगह लगी, ये होटल बिल्कुल खाली पड़ा है, नया बना है एकदम साफ सुथरा बढ़िया, और सही रेट में मिल रहा है सबसे अच्छी बात, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ अभी 4 बजे ना, चलो घूम के आते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखो सैंड ड्यून्स स्टार्ट हो गए पूरे के पूरे, यहाँ पे सैंडी सैंड है, ध्यान से देखोगे तो क्या सही लग रहा है ना, ये व्हाइट है ना, ये हाँ ये ग्रे है, ग्रे ग्रे जैसा कलर है कुछ कुछ, ग्रे या फिर मतलब हल्का सा व्हाइट स्टोन पे, हाँ बहुत सही लग रहा है ना, ये बिल्कुल बीच वाला पार्ट देखो तो ऐसा है जैसे अगर इसको तुम ब्राउन कर दो तो राजस्थान जैसा, हाँ यहाँ हाँ ये कोल्ड डेजर्ट है ना, मम्मी कह रही है यहाँ पे सब वेराइटी मिल रही है, यहाँ सब है, डेजर्ट भी है, बर्फ भी है, ठंडा भी है, और जब धूप निकलती है कड़कती तो गर्म भी है, हर तरह की चीज है भाई, भाई क्या सही लग रहा है इधर है इधर, ओ भाई जब यहाँ पे आंधी आती होगी तो क्या सही धूल उड़ती होगी, बेचारे लोग परेशान हो जाते होंगे, इनके घरों में धूल ही धूल रहती होगी, हमें घर से बन गए, हाँ सही कह रही है बिल्कुल, बहुत सही लग रहा है, आइसक्रीम जैसे कटे हुए हैं। तो भाई अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं हम, और क्या सही लोकेशन है ना, मतलब यहाँ देखो इधर रिवर है, ग्रीनरी है, उधर वहाँ पर कैमल राइड के लिए वहाँ पर देखो कैमल वगैरह खड़े हैं बहुत सारे, बहुत भीड़ अच्छी वाली भीड़ है, और इधर एकदम सही है पूरा डेजर्ट है, पूरा वहाँ तक डेजर्ट ही डेजर्ट है भाई साहब, बहुत ही सही लग रहा है, और ये देखो क्या सही है, कौन सी टीवी जा रहा है। फर वाले कैमल है यहाँ पे, है ना, कैमल की आवाज आ रही है, लग रहा रो रहे हैं, यूं कह रहे हैं इंसान ने दो पैर दिए ना चलते क्यों, साला मेरे ऊपर लटके चल रहे हैं। यहाँ के जो कैमल होते हैं इनकी हाइट भी कम होती है बहुत, पता क्यों, क्योंकि ये पहाड़ों के, पहाड़ों में कोई भी चीज होगी इंसान भी होते हैं उनकी हाइट कम होती है, हैं करना है, हैं बताओ
मैं तो नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे रोए जा रहे हैं। देखे कैसे कैसे कर रहे बेचारे, जबरदस्ती कर रहा हूँ इनके साथ, नहीं लग रहा मैं कर जा रहे हैं, मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा देख के तो नहीं, पहले मैं सोच रहा था कर लूँ अब तो यहाँ पैसा लग रहा है रोवर राट से चल रहा भैया क्या कर मम्मी तुम कर लो तुम आयो क्यों मैं आवाज कैसे नहीं कर रहा मेरे तो बिल्कुल ही देखिए देखिए क्या हो रहा है भाई सही बोलो, पहले मैं सोच के आया था कि मैं करूंगा केबिन साइड पर अब बिल्कुल भी मन नहीं मेरा, क्या हालत है कि ना भाई वहां पे भाई साहब ऐसे बहुत ही गंदी आवाज है। राजस्थान में करूंगा वहाँ पे देखूंगा ना, अगर वहाँ भी ऐसा होना तो नहीं करूंगा ठीक है, बाकी भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे देखना पूरे में गाड़ियां गाड़ियां खड़ी है, राजस्थान वाले जिम जाते हैं क्या, राजस्थान के सजे हुए अच्छे लगते हैं, अच्छा वो जिम जाते हैं, अरे राजस्थान में ऊँट लंबे होते हैं, यहाँ पे क्या है पहाड़ों में जैसे गाय भी होगी ऊँट भी होगा इंसान भी सब छोटे छोटे होते हैं नॉर्मल, बस पहाड़ बड़े होते हैं यहाँ पर, बीच में कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दोबारा शैम्पू का तीर ऊपर से चला गया वो बढ़िया उधर नहीं गया कहीं किसी के पीछे आके लग जाता, नहीं तो शैम्पू सुबह वो किसी उसके लिए होगा प्रोफेशनल के लिए, वो भीड़ लिया बस मैं चला सकता हूँ उसको, शैम्पू यार कहाँ हवा में ऊपर से आया चलो यहाँ पे तो चलो 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 इस पे लग रहा है हल्का सा देव सेना अरे देव सेना ही रह गया देव सेना वंद्रमुखी अभी तेरी चोटियां मार देगा भाई ये खींच खींचो और खींचो और अब छोड़ दे बहुत अच्छे ओ भाई तेरी लगी क्या क्या कर ओ भाई शैम्पू तो से बढ़िया लगी यार देखा मैं शिकार करने समझ नहीं आया था पहले मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद तेज लग गया ना लगना चाहिए बोल रहा हो अरे भाभी के साथ बेइज्जत चलो ओ ये पहले बोलना चाहिए था यार तेरे को क्या क्या कह रहे हो अरे चलो चले फिर हैं रूम में चलते हैं हाँ एडिटिंग वेडिटिंग करते थोड़ा सा शांति स्तूप तो कल ही चलेंगे सुबह अरे वो क्या कह रहा हूँ यार दिमाग खराब हो गया मेरा शांति स्तूप नहीं वो जो बुद्ध जो स्टैचू है क्या चार्ज है ड्रोन अरे सुबह चलाएंगे ना सुबह यहीं तो है सुबह वहीं की वहीं है 2 किलोमीटर दूर था वहीं चढ़ा दूंगा तो भाई यहाँ भी देख लिया अपना सैंड ड्यून्स वगैरह देख लिया बहुत ज्यादा रेत उड़ रहा है इस टाइम पे तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में और चले भाई ये क्या कर रहे हम खेल ले जी पापा चलो भाई चले जी मेरा मुर्गा चलो जी नमकीन खा रहा है अकेले अकेले हैं नहीं भाई मम्मी मम्मी पता है मम्मी से भाभी मार दे ये खा रहा है चल रहा भाई मम्मी से नमकीन मांग रही है पता है पैकेट लगे हैं तो भाई अभी लोग हैं वहाँ सामने और रास्ता जाता उधर से इधर एक स्टैंड में एक रास्ता आया था हमने गाड़ी जाते हुए देखी जो कि यहीं की लोकल की थी मैंने देख के आते हैं वो कहाँ गया है जब वो कहीं जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं तो भाई कुछ ऐसा नजारा मिला है मतलब पूरे भीड़ भाड़ सब पीछे आराम से बैठो शांति से है ना ये होता है कि भाई ढूंढनी पड़ती है जगह तुमको थोड़ा मेहनत करके अब बैठने मन कर रहा था बहुत भीड़ थी यार मतलब मन नहीं कर रहा था ये तो सामने सैंड ड्यून्स यहाँ से पानी में आराम से हाथ धो बैठो पर शैम्पू गाड़ी धो लेते सही भाई यहाँ लोगों ने बॉनफायर कर रखा है और कुछ मतलब दारू वारू पड़ी हुई है तो मतलब यहाँ लोग आते तो हैं तो सही है
ये लोकेशन बढ़िया कि बॉनफायर कर रहे थे हम लोग, मतलब ये दारू वारू पड़ी ये थोड़ा गंदगी यहाँ मत मचाओ क्योंकि लोकेशन बहुत प्यारी यार, पर बाकी बॉनफायर करो क्या सही है नदी किनारे भाई साहब सैंड ड्यून्स और ठंडी जगह, गर्म नहीं काफी ठंडी। मेरे सोने की घड़ी गिर गई, वो ढूंढ रहा हूं। नदी को साफ कर दे, नदी को पूरी को, जे ये कचरा पड़ा है पर गॉडफादर पड़ी है उठा दे यहाँ से। तो अब जो है हम इसी रोड पे चलते आ रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों के खेत आ गए, मतलब मेन रोड ऐसे साइड साइड से चलता है और हम यहाँ इस रोड से आ रहे हैं नदी के किनारे किनारे वहाँ से, और ये बहुत ही सही रोड है भाई, दोनों साइड में खेत हैं। आई थिंक गेहूं जैसा है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है, गेहूं नहीं है कुछ और है, ये तो पॉपुलर के पेड़ हैं खड़े हुए हैं पर पता नहीं क्या है, और ये साइड उन्होंने कांटे काट काट के लगा रखे हैं जिससे जानवर वगैरह अंदर ना आए, उस वजह से खराब ना हो फसल, पर अंदर किसी चीज़ की फसल तो हो रही है वो पता नहीं चल रही किस चीज़ की हो रही है। तो अभी आई थिंक ये अंदर ही अंदर जाके डिस्क्रिप्ट में जाके मिल जाएगा, तो हमें बाहर वाले जो मेन रोड था वो सीधा साइड में रह गया और हम इस रोड से अब आ गए, और ये काफ़ी सही रोड है, इसमें अंदर जब हम आगे गए थे पीछे जो रह गया एरिया वहाँ पे कुछ कैंप वगैरह भी लोगों ने कर रखे थे, मतलब वैसे कि बॉनफायर वगैरह कर रखे थे, तो कैंपिंग वगैरह की जा सकती है यहाँ पर। देखो इधर देखो खेती में कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, हाँ बड़ा सुंदर एरिया भाई ये भी। तो भाई ये है अपना होटल जो हमने लिया आज के लिए बिस्किट में, एक रूम उधर है एक रूम अपना इधर है, बाकी कोई है नहीं ज़्यादा इसमें, तो हम अपना यहीं बैठे हैं गार्डन में, बाकी वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है उधर पूरा सारी माउंटेन्स दिखाई देते हैं। मैंने कहा ठीक है अभी सही टाइम पर लगभग अभी 6 बजने वाले आ चुके हैं, ये लोग भी थोड़ा सा आराम से रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल जाएंगे जो भी कुछ घूमना वूमना है, मतलब यहाँ तो अपनी घूम लिया बस एक बुद्ध स्टैचू घूमना है, बाकी कल हम शायद पेंगोंग लेक के लिए भी निकलेंगे, तो अभी एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिशन सक्सेसफुल, घास पर बिठाई दिया रुको है, घास पे नहीं बैठ रही थी जैसे इसके ऊपर चलाया चुपचुपी ध्यान हुआ है चुपचाप बिठाया से किसका किसका गेम से देखो चुपचाप बैठी है रूरू, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, अब उसे कहीं बिठा लो। व्यू फ्रॉम आवर होटल देखिए ना, चारों तरफ कुछ अलग ही नज़ारे हैं भाई चारों तरफ, और यहीं से देखो सामने वो है सामने वहाँ बुद्धा की मूर्ति जहाँ सुबह जाने वाले, और वहीं से थोड़ा सा ऊपर है मॉनेस्ट्री, मस्ती का देखते हैं सुबह जाएंगे नहीं जाएंगे बाकी, और उस साइड है उधर बिल्कुल ये जो दिख रहा है ना स्लाइट यहीं से लगभग 6 किलोमीटर आगे बस, सही नहीं है क्या लोकेशन है ना वेदर, और ये पुराना पूरा डिस्क्रिप्ट जो है ये है, ये पहले खेत हुआ करते थे यहाँ पर, अभी जो लोग हैं वहाँ से फिर अपने खेतों में किसने होटल्स बना शुरू कर दिया है कोई कुछ बना, अब जैसे पीसफुल है ना शांति शांत जगह है, हाँ ये नहीं कर सकता। सो इस वीडियो को आप खत्म कर लेते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर टेस्टिंग कंटेंट, अभी के लिए नमस्ते अलविदा टाटा और बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना कर देना भाई है ना, आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और बाकी तो बस बढ़िया ही है ठीक है। अभी थोड़ा मार्केट में घूमने जा रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा चलो अभी टाइम तो ही थोड़ा सा घूमे आता है, जाता गाड़ी जाएगी गाड़ी से उसके बाद पैदल घूम लेंगे, अब इसका क्या व्लॉग बनाना कुछ अच्छा होगा तो दिखा दूंगा तो कोई बात नहीं ठीक है, चलो मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।